भारत में आने वाले कुछ ही दिनों में कोविड 19 की वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है। ये कोरोना विस्फोट कुछ समय के लिए होगा, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल सकता है। अत्यधिक तेजी से संक्रमित होने वाला ओमिक्रॉन भारत में चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या करीब 140 करोड़ है। कोविड 19 इंडिया ट्रैकर विकसित करने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कुट्टुमन ने अपने ईमेल में ये आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना विस्फोट कम समय के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में दैनिक मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। प्रोफेसर पॉल कुट्टुमन और उनकी टीम ने कहा है कि इसी सप्ताह से नए संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन कितने मामले आ सकते हैं इसके बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में संक्रमण दर में तेज वृद्धि देख रहे हैं। प्रोफेसर पॉल और उनकी टीम के द्वारा बनाए गए कोविड 19 इंडिया ट्रैकर ने देश के 6 राज्यों के लिए खास तौर पर चिंता जाहिर की है। कोरोना मामलों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा संभव। इसमें कहा गया है कि 24 दिसंबर तक नए मामले 5% तक बढ़ सकते हैं। 26 दिसंबर तक भारत के 11 राज्यों में संक्रमण फैल सकता है। इसके अनुसार सप्ताह के दिनों के हिसाब से प्रभाव बढ़ सकता है। इसके बाद कोरोना मामलों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि भारत में संक्रमण से अब तक 4,80,290 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी कई राज्यों के लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी देश में 653 मामले मिल चुके हैं, लेकिन ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसके मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है। भारत ने बढ़ाई सतर्कता, लिए नीतिगत निर्णय। भारत ने सतर्कता बढ़ाते हुए अपने टीकाकरण अभियान में अब टीन एजर्स को भी जोड़ा है और मंगलवार को 2 नए वैक्सीन और 1 एंटीवायरल गोली को भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण अप्रैल मई के दौरान आई वेव में सबक सीखते हुए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। एक समय देश में वेव के दौरान 4 लाख से अधिक दैनिक मामले आए थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।